रेसलर विनेश बजरंग कांग्रेस में शामिल हो रहे राहुल से मिले। विनेश को हरियाणा की 3, बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिले। उनकी करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट ने कहा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दोनों कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जिंद के जुलाना या दादरी और बजरंग पुनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने मंगलवार को कहा था, चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट का होगा, इसे लेकर बुधवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की कोशिश है कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पहलवान आंदोलन को बीजेपी के खिलाफ बुनाया जा सके। बजरंग पुनिया के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस को पॉजिटिव संकेत मिले हैं, लेकिन बात विनेश पर टिकी हुई है। विनेश को इन 3 सीटों का ऑफर, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों का ऑफर दिया गया है उनमें पहली 2 सीटें चरखी दादरी की दादरी और बराड़ा से है। वे इसी जिले के बालाली गांव की रहने वाली हैं। विनेश अगर दादरी से हामी भरेंगी तो उनका मुकाबला चचेरी बहन दंगल गर्ल बबीता फोगाट से हो सकता है। बबीता यहां से 2019 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गईं। इस बार भी वे टिकट की दावेदार हैं। विनेश को तीसरा ऑप्शन जिंद की जुलाना सीट का दिया जाएगा।